पवन जी से आपका एक मुलाकात हुआ था अभी भी कुछ ऐसा खबर मार्केट में, क्या बात हुई आपका पवन? मार्केट में खबर? अरे बताइए, जब हम एक ही दुनिया में रहते हैं, एक ही दुनिया में रहते हैं तो कभी वो हमसे मिलेंगे, हम कभी मिलेंगे। एक ही क्षेत्र है, एक ही फील्ड है, एक ही भाषा है, एक ही भाषा के बेटे हैं हम लोग, तो उनसे दुश्मनी मेरा कम था। वो तो बात की बात होती थी। देखिए ये बताइए कि नेता आपस में लड़ते जरूर है, लेकिन जब संसद भवन में जाते हैं तो सबकी कुर्सी तो एक ही संसद भवन में लगती है ना, तो ऐसा थोड़ी है जब सबकी कुर्सी अलग अलग लगती है। तो बात की बात है, उनकी बातें मुझे कुछ बुरी लगी, मैंने रिएक्ट किया, मेरी बातें उनको कुछ बुरी लगी होगी, उन्होंने रिएक्ट किया। देसाली जी है, लगातार आप लोगों के बीच में मनमुटाव भी देखने को मिलता है, तो मनमुटाव और नाम से दोनों में एक साथ कैसे सर? मनमुटाव तो मैं करता ही नहीं हूँ, हम सब लोग भाई हैं और भाई ही रहे। जिसने जिसका आपने नाम लिया वो मेरा छोटा भाई है और इंडस्ट्री है, एक छोटा सा परिवार है और परिवार में छोटी बड़ी गलतियां होती रहती हैं, उसको माइंड नहीं करना चाहिए। हम सब परिवार हैं और मिलजुल के काम करना है, हर लोग आगे बढ़े, मस्त रहे, खुश रहे। मैं कितना भी कुछ बोल दूं लेकिन सम्मान में किसी की कमी नहीं होगी। चाहे दिनेश भैया सामने आते हैं तो मैं भरे सभा में अपने पिता का पांव छूता हूं, तो पिता की तरह वो भी मेरे लिए हैं। रवि भैया भी हैं, मनोज जी भी हैं, वो किस पार्टी के हैं, वो कहाँ के हैं, वो किस जाति से, ये मैं आगे नहीं रखता, वो मैं उनको सम्मान देता हूँ। जो एक दूसरा मेरा बड़ा भाई है उनको भी जिस दिन मिलेंगे पांव छूना मेरा कर्तव्य है, वो मेरा संस्कार है, वो मेरे फादर ने सिखाया है।